नमस्कार दोस्तों, वेलकम आप सभी का। तो दोस्तों आज दो बड़े मैच खेले जाएंगे, एक तो ऑस्ट्रेलिया वोमेन्स वर्सेस श्रीलंका वोमेन्स का, और दूसरा मैच पाकिस्तान सुपर टी20 लीग का मैच खेला जाएगा जो कि कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच खेला जाएगा। तो इस वीडियो में हम कराची और इस्लामाबाद का जो मैच खेला जाएगा उसकी बात करने वाले हैं। तो क्या इस मैच की पिच रिपोर्ट रहने वाली है, कौन सी टीम के कितने प्लेयर्स लेकर चलने वाले और कौन ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स होगा, क्योंकि हर मैच में हम रिस्क लेते हैं, कोई एक ऐसा प्लेयर्स होता है जिसका सिलेक्शन बहुत कम होता है और उसको हम अपनी टीम में ट्राई करते हैं जिससे एक यूनिक टीम अच्छी टीम बन सके। आज के अभी मैच में एक ऐसा प्लेयर्स है जिसका सिलेक्शन सिर्फ 1 या 2% है और उसको आज हम अपनी टीम में लेने वाले हैं और उसके चांसेस अच्छा करने के ज्यादा होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में सारी बातें करेंगे, पिच रिपोर्ट से लेकर प्लेयर स्टेटस, रिसेंट फॉर्म और किस कम सिलेक्शन वाले प्लेयर्स को लेना है, किसको ड्रॉप करना, सारी बातें दोस्तों वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले दोस्तों पिच रिपोर्ट्स की बात कर लेते हैं। मैच खेला जाएगा नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची में, जहां पर पिछला मैच भी खेला जा चुका है उसको भी देखने वाले। तो इस पिच पर अब तक 18 मैच खेले जा चुके हैं दोस्तों, और फर्स्ट टाइम बैटिंग करने वाली टीम ने 18 और सेकंड टाइम बैटिंग करने वाली टीम ने 32 मैच जीते हैं, जहां पर सेकंड टाइम बैटिंग करने वाली टीम ज्यादा मैच जीती है। आप यह सोच रहे ना कि वो वेन्यू हाई स्कोरिंग मैच होता है, उस पर बैटिंग करना आसान होता है, बैटिंग फ्रेंडली पिच होती है, यानी कि एवरेज स्कोर भी आप देख रहे थे 172 का एवरेज स्कोर है। बैटिंग करना इस पिच पर आसान है और हाई स्कोर की बात करें दोस्तों 238 इस पिच पर हाई स्कोर भी जा चुका है। वहीं पर स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो 150 से नीचे 12 बार, 150 से 170 के बीच 9 बार और 170 से 190 के बीच 12 बार और 190 से ऊपर इस पिच पर 17 बार स्कोर बन चुका है। यानी कि कराची स्टेडियम की जो पिच रिपोर्ट्स है, बैटिंग फ्रेंडली पिच है, सबसे ज्यादा एडवांटेज यहां पर बैट्समैन को होता है। फिर बॉलर्स में बात करें तो पेसर्स को, स्पिनर्स को इस ग्राउंड पर बहुत कम हेल्प मिलती है। यहां पर दोस्तों जो इस टूर्नामेंट का यानी कि 14 फरवरी को लास्ट मैच खेला गया था उसमें पेशावर्स पीईएस ने फर्स्ट बैटिंग करते हुए 199 रन बना लिए और 5 विकेट गिरे। आप देख रहे हैं कि 200 का स्कोर यहां पर बन गया था फर्स्ट जो मैच हुआ था, और उसमें केएआर 197 रन बना पाई और 5 विकेट गिरे। आप देख रहे हैं कि स्कोर्स 190 के पार जा रहा और विकेट्स बहुत कम गिर रहे हैं, दोनों टीमों की तरफ से 5-5 विकेट गिर रहे हैं, जहां पर हम टी20 में आमतौर पर देखते हैं कि एक टीम की तरफ से 7 से 8 विकेट गिर जाते हैं। वहीं पर फर्स्ट इनिंग्स में दोस्तों स्पिनर्स को 1 और पेसर्स को 3 विकेट मिले हैं, वहीं पर सेकेंड इनिंग्स में स्पिनर्स को कोई विकेट नहीं और पेसर्स को 5 विकेट्स मिले, यानी कि दोनों टीमों की बात करें तो 9 विकेट्स में से 8 विकेट्स पेसर्स को और 1 विकेट स्पिनर्स को मिला है। तो आज के मैच में ज्यादा उसके तो आप पेसर्स को ही अपनी टीम में रखना बॉलर्स में से, लेकिन ऑलराउंडर में जो कि स्पिनर्स हैं और साथ के साथ बैटिंग बैकअप देते हैं उनको तो अपनी टीम में हम रखने वाले हैं। अब दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात कर लेते हैं। इन दोनों के बीच अब तक 18 मैच खेले जा चुके हैं, कराची किंग्स ने 6 और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 12 मैच जीत रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहां पर 50% चांसेस जो ज्यादा विन करने के वो इस्लामाबाद के हैं, लेकिन मैं आज के मैच में जो मेरे को लगता है कराची किंग्स आज का मैच विन करने वाली है, इसलिए कराची किंग्स की तरफ से आप ज्यादा प्लेयर्स ले सकते हैं या कैप्टन आप कराची किंग्स का बनाकर चल सकते हैं। अब दोस्तों प्लेइंग 11 की बात करें, सबसे पहले कराची किंग्स की प्लेइंग 11 की बात करें तो मैथ्यू वेड, सर्जिल खान ओपनिंग कर रहे हैं, हैदर अली, कासिम अकरम, सोएब मलिक, इमाद वसीम, बैन कटिंग, एंड्रू टाई, मोहम्मद आमिर, मीर हमजा और इमरान ताहिर, ये इनकी प्लेइंग 11 है दोस्तों। अब इनकी रिसेंट फॉर्म और देख लेते हैं दोस्तों कौन कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो यहां से आप देखेंगे मैथ्यू वेड विकेट कीपर ऑप्शन में और सबसे अच्छे ऑप्शन है एसएल के लिए, जीएल में भी इनको ट्राई किया जा सकता है। लास्ट मैच में 23 रन बनाकर आ रहे हैं, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, ठीक ठाक प्लेयर्स हैं और वैसे देखा जाए और दूसरा कोई इतना अच्छा विकेट कीपर नहीं है तो मैथ्यू वेड को कंफर्म आप एसएल की टीम में रख सकते हैं, जीएल में भी चाहो तो ट्राई कर लेना। दूसरा जो विकेट कीपर वो आजम खान है, तो इसलिए सिलेक्शन देखा जाए तो मैथ्यू वेड का 90% है और आजम खान का सिलेक्शन वहां पर आपको 4% है, लेकिन फिलहाल हम मैथ्यू वेड को अपनी टीम में रख सकते हैं एसएल में। जीएल में आप इनको ड्रॉप करके आजम खान के साथ जा सकते हो जो कि एक अच्छे प्लेयर है। फिलहाल मैथ्यू वेड एक अच्छे खासे पिक हो सकते हैं और बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स है, आप दोनों विकेट कीपर को भी अपनी टीम में ले सकते हैं। सर्जिल खान दोस्तों रिसेंट फॉर्म ठीक है, लास्ट का जो मैच खेला
उसमें जीरो पर आउट हो गए। सिलेक्शन इनका 13% है और प्लेयर्स ये अच्छे हैं, देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस करते हैं फिलहाल। लेकिन जीएल के लिए ये एक अच्छे प्लेयर जरूर रहेंगे, लेकिन लगातार ही खराब परफॉर्मेंस करते हैं तब आप इनको ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि कई बार कोई भी बड़ा प्लेयर हो तो जीरो पर आउट हो जाता है। लेकिन टैलेंटेड है और सिलेक्शन कम है, जीएल के लिए अच्छे पिक रहेंगे, एक आधी टीम में जरूर ट्राई करना, भले ही लास्ट मैच में जीरो पर आउट हो गए, एसएल में आप इनको कन्फर्म ड्रॉप कर सकते हैं। हैदर अली दोस्तों प्लेयर्स ठीक है, हिट एंड मिस टाइप के हैं, कभी चलेंगे कभी नहीं, ड्रॉप ही करेंगे। वहीं पर दोस्तों कासिम अकरम, ये टैलेंटेड है, अंडर 19 खेल करा रहे हैं, उस टीम के कैप्टन थे और जबरदस्त प्लेयर्स हैं। जिनकी हम बात कर रहे थे ना कि कौन कम सिलेक्शन वाला प्लेयर्स है, वो कासिम अकरम है। इनका सिर्फ 2% सिलेक्शन है दोस्तों, अभी मैंने टीम बनाई वहां पर देखा सिर्फ 2% लोग इनको अपनी टीम में लेकर चले। हाँ पिछले मैच में इन्होंने बॉलिंग नहीं की, इस मैच में ये 102 ओवर बॉलिंग कर सकते हैं और बैटिंग ऑर्डर 4 नंबर पर है। भले ही पिछले मैच में 7 रन पर आउट हो गए हो, लेकिन आप इनको ग्रैंड लीग और एसएल दोनों टीमों में ट्राई कर सकते हैं। फिर दोस्तों शोएब मलिक जबरदस्त प्लेयर्स हैं, बैटिंग ऑर्डर 5 नंबर पर है, लास्ट मैच में 52 रन बना कर आ रहे हैं, कन्फर्म टीम में लेकर चलना। फिर दोस्तों बात करते हैं इमाद वसीम की, जबरदस्त प्लेयर्स हैं, ऑलराउंडर हैं, स्पिनर्स हैं, लेकिन लास्ट मैच में बॉलिंग से तो उतना अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन बैटिंग से 80 रन इन्होंने ठोक डाले और इस विकेट पर, यानी कि इसी पिच पर ये लास्ट का मैच खेले थे और इसी पिच पर 80 रन बनाए थे, होम ग्राउंड है, अच्छे खासे ये रन आपको बनाते हुए दिखाई देंगे और हो सकता है पिछले मैच में विकेट ना मिले, इस मैच में एक आधा विकेट से मिल जाए कैप्टनशिप के लिए, इसलिए अच्छे खासे कंटेंडर रहने वाले हैं। बैन कटिंग की बात करें तो दोस्तों 1-2 ओवर बॉलिंग कर सकते हैं, बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे है, लेकिन T20 में इनकी बैटिंग आने के चांसेस रहते हैं, लेकिन गेंद इनको कम खेलने को मिलेगी, इसलिए ठीक ठाक ही पिक करेंगे, बाकी ड्रॉप करेंगे तो ठीक रहेगा। अगर बॉलिंग फ्रेंडली पिच होती तब इनको हम टीम में ट्राई कर सकते थे, बैटिंग फ्रेंडली पे इनको विकेट नहीं मिलेगा तो उतने अच्छे पिक नहीं होंगे, भले ही लास्ट मैच में उन्होंने 9 रन और 1 विकेट लिया हो, ठीक ठाक ही प्लेयर्स रहेंगे, डिसेंट ऑप्शन है। मोहम्मद आमिर दोस्तों विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं, लेकिन इस पिच पर बॉलर्स को बहुत कम हेल्प है, इसलिए कम ही बॉलर्स के साथ जाएंगे तो ठीक रहेगा, तो मोहम्मद आमिर उतने अच्छे पिक नहीं होंगे। एंड्रयू टाई दोस्तों विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं, चाहे कैसे भी पिच हो एक आधी विकेट से लेते हैं और डेथ में बॉलिंग ये करते हैं, तो इनको मैं अपनी टीम में लेकर चलूंगा। इमरान ताहिर दोस्तों उतने अच्छे पिक नहीं होंगे, भले ही इस पिच पर लास्ट मैच में इन्होंने 1 विकेट लिया हो, लेकिन स्पिनर्स को बहुत कम हेल्प होती है, तो इमरान ताहिर को भी मैं अपनी टीम में नहीं लेकर चलूंगा। मीर हमजा दोस्तों पिछले मैच में भी हमने इनको लिया, अच्छे खासे पिक रहेंगे और डेथ में बॉलिंग कर सकते हैं, विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं, हालांकि ज्यादा तो विकेट इस ग्राउंड पर नहीं मिलेगी, लेकिन हम इनको अपनी टीम में लेकर चल सकते हैं। वहीं पर दोस्तों इस्लामाबाद आईएसएल की प्लेइंग 11 की बात करें तो एलेक्स हेल्स, पॉल स्टॉलिंग ओपनिंग करेंगे, 1 डाउन बैटिंग पर कोलिंग मुंद्रो, 4 नंबर पर अस्ताद खान, 5 नंबर पर आजम खान, आसिफ अली, फहीम अशरफ, मोहम्मद वसीम जूनियर, हसन अली, अब्रार अहमद और जफार गोहर, ये इनकी प्लेइंग 11 है। अब इनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं एलेक्स हेल्स फिलहाल यूएई T20 में खेल करा रहे हैं, परफॉर्मेंस अच्छा था, लास्ट के 3-4 मैचों से थोड़ा गड़बड़ हो गया, लेकिन जबरदस्त प्लेयर्स हैं और बैटिंग विकेट्स है, कंफर्म टीम में लेकर चला। पॉल स्टॉलिंग दोस्तों ठीक ठाक प्लेयर्स हैं, हिटिंग अच्छी करते हैं, अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन लगातार रन नहीं बनाते, कंसिस्टेंसी नहीं है इनके पास, कभी भी विकेट्स फेंक देते हैं, ये रिस्क इनके साथ जरूर रहता, चल गए तो बड़ा स्कोर, नहीं तो फ्लॉप होते हुए भी इनको देर नहीं लगती। कोलिंग मुंद्रो दोस्तों रिसेंट फॉर्म खराब है, 11-1-2-2-2-6 तो उतने अच्छे ये पिक फिलहाल नहीं रहेंगे, चाहो तो बड़े प्लेयर्स हैं ट्राई कर लेना, लेकिन फिलहाल रिसेंट फॉर्म बहुत खराब है। वहीं पर दोस्तों अस्ताद खान जबरदस्त प्लेयर्स हैं, बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट्स देंगे और पिछले पीएसएल में तो इन्होंने जबरदस्त आग लगा रखी थी, हर मैच में बैटिंग बॉलिंग से विकेट्स ले रहे थे, सबसे ज्यादा पॉइंट्स दे रहे थे हर पिछले पीएसएल में, जिस प्रकार बीबीएल में मैथ्यू शॉर्ट्स बैटिंग और बॉलिंग से पॉइंट्स दे रहे थे, उसी प्रकार पिछले पीएसएल में स्ताब खान बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट्स देते हैं, अच्छे प्लेयर्स था टीम में तो कंफर्म लेकर चला, कैप्टन वाइस कैप्टन के भी कंटेंट रहेंगे। वहीं पर दोस्तों आजम खान की बात करें, रिसेंट फॉर्म ठीक है, 33 रन, 12 रन, 15 रन, अच्छे खासे हैं, विकेट कीपर ऑप्शन में। सिलेक्शन की बात की जाए तो आप जब टीम बनाओगे तो देखोगे सिर्फ 5% सिलेक्शन है, जबकि ये भी एक युवा टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, कभी भी बड़ी इनिंग्स भी खेल सकते हैं, यूनिक प्लेयर होंगे ग्रैंड लीग में, ग्रैंड लीग में तो इनको कंफर्म ट्राई करना, एसएल के लिए भी अच्छे खासे पिक हो सकते हैं। फिर दोस्तों बात करते हैं आसिफ अली, बैटिंग ऑर्डर 6 नंबर पर है,
अगर आईएसएल फर्स्ट बैटिंग करता है उस सिचुएशन में आसिफ अली अच्छे खासे पिक हो सकते हैं ग्रैंड लीग के लिए, क्योंकि ये तीन मैचों के बाद एक मैच में जबरदस्त स्कोर्स करेंगे, यानी कि कभी कभी ही इनको ट्राई किया जा सकता है। तो देख लेना इस मैच में अच्छा चलते हैं तो आप ट्राई कर लेना जीएल में, एसएल में तो उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे, लेकिन तीन से चार मैचों में चलने के चांसेस जिनके एक ही मैच में होंगे, एक तो बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे है और कम गेंद खेलने को मिलती है, ये सिचुएशन इनके साथ रहेगी। फहीम अशरफ दोस्तों पूरे चार ओवर बॉलिंग करेंगे, ऑलराउंडर ऑप्शन में है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से ये पॉइंट दे सकते हैं, कंफर्म टीम में लेकर चला। मोहम्मद वसीम जूनियर दोस्तों ये विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं, इनको कंफर्म मैं अपनी टीम में लेकर चलूंगा, ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स भी रहेंगे, फर्स्ट बॉलिंग के केस में आप इनको वीसी भी बना सकते हैं। हसन अली अच्छे खासे ये भी पिक रहेंगे दोस्तों। फिर दोस्तों अबरार अहमद और जफर गौर, इनमें से मैं किसी को नहीं लूंगा, क्योंकि हम ज्यादा बॉलर्स अपनी टीम में नहीं लेकर चलने वाले, क्योंकि ज्यादा हाई वैल्यू स्कोर्स है, विकेट्स हम लोगों ने देखा कम गिर रहे हैं, तो हम ज्यादा से ज्यादा तीन या चार बॉलर्स ही अपनी टीम में लेकर चल सकते हैं। तो दोस्तों ये थी रिसेंट फॉर्म दोनों टीमों की, प्लेइंग 11। अब बात कर लेते दोस्तों मेरी क्या टीम फाइनल बनकर तैयार हुई है, किस प्लेयर्स को मैंने अपनी टीम में लिया हुआ और किसको मैंने ड्रॉप किया हुआ। वीडियो को दोस्तों अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लो, मैं ड्रीम 11 ओपन कर लेता हूं दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गई मेरी एसएल की टीम, इसमें मैंने मैथ्यू वेड को विकेट कीपर में और मैंने दो बैट्समैन लिए दोस्तों, हालांकि बैटिंग फ्रेंडली पिच है लेकिन बैट्समैन में कोई ज्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं मिला, इसलिए मैंने चार ऑलराउंडर ले लिए, क्योंकि ऑलराउंडर में इमाद वसीम भी 80 रन बना करा रहे हैं, तो इसलिए ये भी बैटिंग और बॉलिंग दोनों को काम करें। तो इस टीम में मैंने मैथ्यू वेड, बैट्समैन में शोएब मलिक, एलेक्स हेल्स को लिया हुआ, मैंने चार ऑलराउंडर लिए दोस्तों। इमाद वसीम कन्फर्म लेकर चलना है, स्ताफ खान कन्फर्म टीम में लेकर चलना है, फहीम अशरफ ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स हैं, वहीं पर कासिम अशरफ दोस्तों सिलेक्शन बहुत कम है लेकिन प्लेयर्स अच्छे हैं, चार नंबर पर बैटिंग ऑर्डर है और कभी भी अच्छी इनिंग्स इनके खेलने के चांसेस रह सकते हैं, और खास तौर पर इस मैच में मेरे हिसाब से कासिम अकरम अगर चार नंबर पर बैटिंग करते हैं तो 30-35 रन ये बनाने चाहिए इनको, इसलिए मैंने इनको टीम में लिया। आप चाहो तो कासिम अकरम की जगह पर कोलिंग मुंद्रो या पोल स्टोलिंग को ट्राई कर सकते हो, फिलहाल मैं रिस्क लेते हुए कासिम अकरम को अपनी टीम में ले रहा हूं। चार मैंने दोस्तों बॉलर्स लिए हुए हैं, एंड्रू टाई, मीर हमजा, हसन अली और मोहम्मद वसीम। अब दोस्तों कैप्टन की बात करें, इमाद वसीम मेरे कैप्टन रहेंगे और वो इंपर वाइस कैप्टन मेरे स्ताफ खान रहेंगे। अब दोस्तों ये थे मेरी एसएल की टीम, अब जीएल की टीम की बात करें तो दोस्तों जीएल की टीम में मैंने दो विकेट कीपर ले लिए, आप चाहो तो एक ले सकते हैं लेकिन दो भी लिए जा सकते हैं क्योंकि हाई वैल्यू मैच है, मैथ्यू वेड और आजम खान। दोस्तों आजम खान मेरे ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स हैं, इसलिए जीएल में ऐसे प्लेयर्स को जरूर ट्राई करना चाहिए जिनका लो सेलेक्शन हो और टैलेंटेड हो, और आजम खान सेलेक्शन इनका 5% है, यूनिक प्लेयर्स हैं, 30 रन भी बना गए तो अच्छे खासे पिक होंगे और ये बना सकते हैं, इनमें इतना मैदा है, इतने अच्छे टैलेंटेड हैं कि ये बना सकते हैं। वहीं पर ऑलराउंडर में दोस्त बैट्समैन की बात करें तो मैंने शोएब मलिक और एलेक्स हेल्स को लिया हुआ है, बॉलर्स में इमाद वसीम, एस खान, फहीम अशरफ और कासिम अकरम को, जब 2% सेलेक्शन वाले प्लेयर्स को हम एसएल में ले रहे हैं तो जीएल में तो हम कन्फर्म ट्राई ही करेंगे दोस्तों, इतना जिस तो हमने लेना ही है। वहीं पर मैंने बॉलर्स तीन ही लिए हुए हैं, एंड्रू टाई, हसन अली और मोहम्मद वसीम, कैप्टन दोस्तों इमाद वसीम और वाइस कैप्टन स्ताफ खान एक अच्छे ऑप्शन है, आप चाहो तो वाइस कैप्टन शोएब मलिक को भी बना सकते हो, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं इस मैच में कराची को फेवरेट मानकर टीम बना रहा हूं, यानी कि कराची विन करने वाली है, इसलिए मैंने कराची की तरफ से कैप्टन इमाद वसीम को बनाया हुआ। अगर आप ज्यादा टीम में बना रहे हैं तो एक आधी टीम में शोएब मलिक को जरूर वीसी बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी टीम, अगर इनमें प्लेइंग 11 के हिसाब से कुछ चेंजेस होता है, फर्स्ट बैटिंग सेकंड बैटिंग के हिसाब से कुछ चेंजेस होता है तो वो मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा, इसलिए टेलीग्राम को आपने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम को ज्वाइन कर देना दोस्तों, और अभी तक भी दोस्तों आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों नमस्कार, फिर मिलते हैं आप लोगों से।